कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार केवल आम जनता के साथ छलावा कर रही है और सिर्फ आदिवासियों के विकास के नाम पर जनता की आंखों में धूल झोंक रही है और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार आंख बंद करके सिर्फ तमाशा देख रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव करा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आदिवासियों की हालात क्या है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और उनके साथ में जिस तरीके से उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, तस्करी हो रही है, लेकिन ये सरकार मौन साधे हुए बैठी हुई है और उनके मौत पर आज ये नृत्य महोत्सव करा रही है केवल और केवल हमारे आदिवासी समाज का ध्यान भटकाने के लिए। आदिवासी समाज आज इनको इतनी सीटें दी है, इतने विधायक यहां चुन करके आए हैं, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से आदिवासी समाज के साथ में छलावा किया है, उनको प्रताड़ित किया है, आदिवासी समाज आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। आमंत्रण है आपको उस धरा का जहां वनों का आंचल लहराता है, आमंत्रण उस अबूझ माड़ का जहां सूर्य किरण का रथ धरती से पहले पेड़ की शाखों पर ठहर जाता है, आमंत्रण उस चित्रकूट का जहां इंद्रावती की गोद में इंद्र धनुष खिलखिलाता है। उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला, उत्सव ये अलबेला हमर संस्कृति के मेला, मिला रे जम्मू दुनिया के आदिवासी संस्कृति के, जम्मू दुनिया के आदिवासी संस्कृति के, जश्न मनाबो नाचबो गाबो, जश्न मनाबो नाचबो गाबो, जोश खुशी से नाम बढ़ाबो रे। प्रकृति के प्रांगण में आइए आदिवासी संस्कृति का उत्सव मनाएं। छत्तीसगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में देखिए भारत के आदिवासी नृत्य की छटाएं। ओ मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है, मेहनत भरी यहाँ कर्मा की तान है, ज्ञान से भरा यहाँ जय गंगान है, परब और सैला मन को लुभाते हैं, मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं, मांदर और झांझ आपको बुलाते हैं। 28, 29 और 30 अक्टूबर को होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए आप सभी को छत्तीसगढ़ सरकार का स्नेहिल आमंत्रण। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा, इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें, हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम।
आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते हैं पीलीभीत, जहां